रेयान इंटरनेशनल स्कूल केस में पिंटो परिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कल तक पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत पर सुनवाई कल तक टल गई है। वहीं स्कूल के बस ड्राइवर ने न्यूज़ नेशन से खुलासा किया है। बस ड्राइवर सौरभ ने बताया कि उसने आरोपी कंडक्टर को खून से लथपथ हालत में देखा था। रेयान स्कूल के हेड ऑफिस में कल गुड़गांव पुलिस ने पूछताछ की थी। वहीं प्रद्युम्न का परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार और सीबीआई के साथ साथ सीबीएसई को भी नोटिस भेजा था और 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। अब जो खुलासा आज ड्राइवर ने किया है ये काफ़ी अहम है कई मायनों में, क्योंकि जिस कंडक्टर को जिस वक्त पकड़ा गया था उसकी शर्ट पर खून के निशान बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन ड्राइवर का ये कहना है कि एक ऐसा शख्स है जो शांत स्वभाव का था और इस तरीके की वारदात को अंजाम दे ही नहीं सकता है। साथ ही जब उसने देखा था उस वक्त कंडक्टर खून से लथपथ नज़र आ रहा था।